हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से देखने वाले बिगनर स्पेशल डोरमैट डिज़ाइन। तो देखिए इस तरह की थिकनेस है इसकी और इसे मैंने ऊल से बनाया। आप चाहे तो पुराने कपड़े से या साड़ी से भी बना सकते हैं। तो बिगनर स्पेशल है तो इसी के लिए मैंने इसे बहुत ही डिटेल्स में समझाया है और बहुत ही आसान है इसे बनाना भी। और डिज़ाइन तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से बनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ली है मैंने 6 नंबर की स्टिक और ये बेबी उल है इसलिए 3 उल्स मैंने एक साथ लिए, यानी कि ये बहुत ही छोटे हैं इसलिए 3 उल्स मैंने एक साथ लिए और इसे कुछ डबल नॉट लगाकर इस तरह, तो जिस तरह हम स्टार्टिंग के नॉट लगाते हैं वैसे नॉट हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे नॉट हमने डालने हैं शुरुआती फंदे, इस तरह से हम डालेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये कितने डालने हैं मैंने यहाँ पर लिए हैं 28। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसे दो दो नॉट करके बढ़ा सकते हो, यानी कि 28 होने के बाद हम कितने ले सकते हैं 30, 32, 34, 36, मन मर्जी जितने दो दो से हम बढ़ाएंगे। अब सिंपल है, इसे हम बुनते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह जैसे कि हम हर डोर मैट को बुनते हैं सेम उसी तरह से हम इसे बुन रहे हैं, यानी कि हम हर डोर मैट जिस तरह बुनते हैं सेम उसी तरह से बुनना है। स्टिक को अंदर की तरफ डालना है, धागे को लपेटना है और स्टिक को नीचे से निकाल लेना है। तो यही बुनते हुए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये सर्कल डोर मैट है तो नीचे से हमने 2 नॉट छोड़ने हैं। तो ये 2 नॉट छोड़ते हुए यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और देखिए मैंने ऊपर से नीचे तक बुन लिया, ये 2 नॉट मैंने बिना बुने ही छोड़े। यही से दोनों स्टिक में से धागे को पलट लिया हमने पीछे की तरफ और पीछे से हम ऊपर की तरफ बुनते हुए जा रहे हैं। देखिए यहीं पर जिस तरह हमने धागे को पलटा सेम उसी पॉइंट से हमने क्या किया, ग्रीन धागे को यहाँ पर ऐड किया और आगे के 6 नॉट जो हैं मैंने ग्रीन धागे से बुनने हैं। कितने 6 नॉट, तो 6 नॉट यहाँ पर मैं ग्रीन धागे से बुन लेती हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा नॉट ले रहे तो ये 6 के बजाय आप 8 भी कर सकते हो, 8 के बजाय 10 भी कर सकते हो। ये मैंने इक्वली 6 6 ही लिए हैं। तो ये देखिए ग्रीन के मैंने 6 यहाँ पर लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, आगे ब्लैक धागे को मैंने ले लिया 6 के बाद और पूरे ब्लैक धागे से हम ये नॉट बुनेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने बुना, क्या किया ऊपर से नीचे बुनते हुए आए, 2 नॉट बिना बुने छोड़े। यही से हमने ग्रीन धागा ज्वाइन किया, यही से 6 नॉट लगाए और आगे के ब्लैक नॉट लगाते हुए हम ऊपर की तरफ चले आए। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो यहाँ पर बुन रहे हैं। फिर से हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर के नॉट जो है ब्लैक कलर के धागे से बुनते हुए हमें नीचे की तरफ आना है। तो सभी ब्लैक कलर के धागे हम बुन लेते हैं नीचे की तरफ, यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने ब्लैक कलर के नॉट बुन लिए। यही से क्या करेंगे, ग्रीन धागे को आगे की तरफ कर लेंगे, यानी कि ग्रीन नॉट बुनने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रीन नॉट बुनाई शुरू की। लेकिन हमने पहले भी 2 नॉट छोड़े थे बिना बुने, इस रो में भी छोड़ेंगे। तो ये देखिए ये पहले रो के 2 ब्लैक और इस रो के 2 ग्रीन, ये इसे धागे को हम पलटेंगे। पीछे के साइड हमारे पास कितने 4 ग्रीन नॉट बचे हैं, वो 4 को हम क्या करेंगे, इसी तरह ग्रीन धागे से बुन लेंगे और आगे के बचे हुए नॉट जो है हम ब्लैक कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करना है, हर रो में नीचे से 2 नॉट छोड़ते धागे को पलट लेना है। ये हमें एंड तक करना है। ये देखिए ऐसे फिर से हम ब्लैक धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और ब्लैक जो इस तरह से हमें क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस करना है पीछे की साइड। जब भी ब्लैक और ग्रीन धागा आएगा तो पीछे की साइड हम नीचे से ऊपर जब भी बुनाई करते हुए जाएंगे तो 2 धागे को क्रॉस करेंगे ताकि ये जो यहाँ पर है छूटे ना। तो ये देखिए यहाँ तक मैं बुनते हुए आई, फिर से ऊपर से नीचे की तरफ मैंने ब्लैक धागे बुने। अब इस बारी क्या करेंगे, हम 2 ही ग्रीन नॉट लगाएंगे, यानी कि अब फिर से 2 नॉट मैंने यहाँ पर छोड़े। ये देखिए ये इसे धागे को हम पलटेंगे, हम पीछे की साइड ये 2 ग्रीन नॉट जो है वो लगा लेंगे ग्रीन धागे से ही।
ब्लैक कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे, इन दोनों को यहाँ पर क्रॉस करेंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस करेंगे और ब्लैक कलर के नॉट ब्लैक कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो हर रो के हमने क्या किया, नीचे से दो दो नॉट छोड़े हैं। तो ये देखिए मैंने सभी ग्रीन नॉट को दो दो करके छोड़ दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे। देखिए यहाँ तक बुनते हुए आएंगे, यही से धागे को पलटते हुए पीछे की तरफ चले जाएंगे, यानी कि एक पूरी ब्लैक कलर की रो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक बुना, यही से धागे को पलटा और ऊपर की तरफ चली गई, यानी कि दो दो नीचे से हमने नॉट छोड़े। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ तक बुनते हुए ब्लैक कलर यहाँ तक बुनते हुए आएंगे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक बुनते हुए आई, नीचे से फिर से मैंने दो नॉट छोड़े ब्लैक कलर के, ये देखिए, और पीछे की तरफ। ये देखिए इस तरह से ये दो ब्लैक, ये दो ब्लैक, स्टार्टिंग में दो ब्लैक छोड़े थे, इस तरह से ये दो ब्लैक, और ये इसी धागे को पलटते हुए हमने जिस तरह ग्रीन धागा ज्वाइन किया था सेम उसी तरह से यहाँ पर मैंने बेबी पिंक कलर का धागा ज्वाइन किया है। जिस तरह ग्रीन कलर के हमने 6 नॉट लिए हैं उसी तरह बेबी पिंक के भी हम 6 ही नॉट लेंगे, और जिस तरह ग्रीन ही बुना है हमने दो दो करके उसी तरह से पिंक भी हमें बुनना है। तो यहाँ पर मैं 6 नॉट पिंक कलर के लगा ले रही हूँ और बचे हुए नॉट फिर से हम क्या करेंगे ब्लैक कलर के ही लगा लेंगे। तो एंड तक मैं इसे बुन लेती हूँ यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। ये देखिए जिस तरह इसे दो दो करके हमने धागे को पलटते हुए लिया है सेम उसी तरह से अब ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे। बेबी पिंक को भी उसी तरह से हम क्या करेंगे बुनेंगे और दो दो नॉट नीचे से छोड़ते हुए जैसे कि हमने ग्रीन को बुना है सेम उसी तरह ही ये भी बुन लेंगे हम बेबी पिंक वाला। और फिर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये बुना, फिर से ये बुनेंगे हम, फिर से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे धागे को पलटते हुए। जिस तरह ये ब्लैक कलर की दो रो छोड़ी है नीचे से उसी तरह से ये देखिए मैंने ब्लैक कलर को भी बुन लिया और फिर से हम धागे को पलटते हुए जिस तरह हमने ग्रीन धागे को ज्वाइन किया था पिंक को ज्वाइन किया था सेम उसी तरह से हमने दो धागे छोड़ते हुए पिंक को ए रेड को भी ज्वाइन किया है। रेड के भी हम 6 ही नॉट लगाएंगे और आगे के नॉट हम क्या करेंगे ब्लैक कलर के धागे से ही बुन लेंगे। तो हर बारी एक ध्यान में रखिएगा, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आ रहे हैं हर बारी हम दो नॉट नीचे से छोड़ रहे हैं बिना बुने, और चाहे ग्रीन कलर के हो ब्लैक कलर के हो बेबी पिंक के हो या रेड के हो हर बारी हम नीचे से दो दो नॉट करते हुए छोड़ रहे हैं। तो इसी तरह ये रेड भी मैं कुछ बुन लेती हूँ। ये देखिए रेड को भी मैंने बुना है और 4 नॉट ऊपर बचे हैं, तो ये 4 को भी हम क्या करेंगे दो दो करके छोड़ देंगे। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आए हम यहाँ तक मैंने नॉट छोड़े थे, ये इसे धागे को पलटा फिर से पीछे की तरफ पूरे पूरे नॉट हम लगा लेंगे। तो एंड तक मैंने क्या किया है दो दो नॉट नीचे से छोड़े हैं, ये देखिए यहाँ तक। फिर से हम क्या करेंगे दो नॉट ही छोड़ देंगे, दो बुन लेंगे, देखिए दो ही बुने मैंने, ये से धागे को पलटेंगे और पीछे की साइड बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैंने नीचे से ऊपर तक दो दो करके हमने धागे छोड़े हैं। ये देखिए इस तरह से ये बन के रेडी हो चुकी है। देखिए दो 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 इस तरह से हमने वही से धागे को पलटते हुए लिया है। अब हम क्या करेंगे सभी नॉट छोड़ने के बाद फिर से उन सभी नॉट को क्या करेंगे एक ही साथ बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे। देखिए सभी नॉट को मैंने बुना, सिर्फ जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे को बुनेंगे। इस तरह रेड कलर को आगे की तरफ कर लेना है और ये रेड नॉट जो दिखाई दे रहे ये हमें रेड धागे से ही बुनने हैं। देखिए 6 रेड नॉट मैंने बुन लिए इस तरह से। अब इसको पीछे की तरफ डालेंगे, फिर ब्लैक कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और ये दो ब्लैक कलर के नॉट लगा लेंगे, फिर इस धागे को पीछे की तरफ डालेंगे और पिंक कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे। इस तरह से हमें क्या करना है ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए जाना है, जिस कलर का नॉट उसी कलर के धागे से। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी
डोरमेट की वीडियो बनाई है मैंने, वो भी जाके देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए एंड तक मैं इसे बुन लेती हूँ। हाँ, सो फिर से ग्रीन धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे ताकि हम ग्रीन नॉट बुन सके। देखिए एक ही साथ नीचे तक, और नीचे के दो जो ब्लैक है वो हमने ब्लैक कलर के धागे से ही बुनने हैं। देखिए इसे हम फिर से पीछे की तरफ करेंगे, और ये दो ब्लैक एंड वाले जो कि फर्स्ट टाइम हमने छोड़े थे उसे हम ब्लैक कलर के धागे से ही बुनेंगे। एक ग्रीन कलर का धागा पीछे की तरफ कर लिया, और ये दो ब्लैक एंड तक मैंने बुन लिए हैं। और ये कुछ इस तरह से दिखाई हमें देगा, ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, फिर से नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक धागे से ही अब पूरे नॉट बुनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सभी नॉट को हमने क्या करना है, ब्लैक धागे से ही बुनना है। और जैसे कि हमारे पास 28 स्टार्टिंग में नॉट थे, सेम उसी तरह से स्टिक में भी 28 ही बचे हैं। तो सभी को हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर के धागे से बुनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सभी नॉट को बुनने हैं एंड तक हमें ब्लैक कलर के धागे से ही। देखिए इस तरह से, और ये धागे जो है यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, अगली जो कली है उसमें यूज करेंगे, यानी कि पिंक ग्रीन और रेड। इसलिए ये देखिए सभी रेड पिंक सभी को मैंने क्या किया, ऊपर तक इसे बुन लिया है एक लाइन में। अब हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, जैसे कि हमारे पास 28 ब्लैक कलर के नॉट्स थे, सेम उसी तरह से अब हमारे स्टिक में कौन से ब्लैक कलर के 28 नॉट हो रहे हैं। तो जिस तरह हमने स्टार्टिंग में कली बनाई थी उसी तरह से हम सेम उसी तरह से अब सेकेंड कली को भी बुनेंगे। देखिए देखिए जैसे इस तरह से हमने स्टार्टिंग की थी सेम उसी तरह से है, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर से नीचे बुनते हुए आएंगे, रेड धागे को यानी कि ग्रीन धागे को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद पिंक को, बाद में रेड को। जिस तरह इधर की साइड बुनी थी सेम उसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे, दो नॉट छोड़ेंगे, यहाँ पर ग्रीन धागे को ज्वाइन करेंगे, 6 नॉट ग्रीन लेंगे और बाकी के ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, कली को कली जोड़ते हुए हमारा डोर मैट जो है बुन लेंगे। तो मैं इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया है, और ये कुछ इसकी अब हम एंडिंग देखेंगे। तो एंडिंग कैसे करनी है, ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, दो नॉट लिए और उसे एक बना दिया, ये देखिए यहाँ तक। फिर से बुना नॉट आगे के स्टिक में डालेंगे, फिर दो नॉट को एक बना देंगे, फिर से बुना हुआ फिर से आगे के स्टिक में डालना है, दो को एक बना देना है। अब ये ब्लैक कलर को पीछे की तरफ कर लेंगे और ये रेड कलर को आगे की तरफ कर लेंगे। फिर से बुना हुआ नॉट हम क्या करेंगे, आगे स्टिक में डालेंगे और फिर से दो नॉट को एक बना देंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ तक धागे को बदलते हुए बुनेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए इसकी एंडिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, धागे को कट करेंगे और यहाँ पर नॉट हम लगा लेंगे इस तरह से, और इसे हम क्या करेंगे अब सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से फिट करके। ये देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इस धागे से बुन सकते हो, चाहे तो इस धागे से भी सिलाई लगा सकते हो, और फिर हमारा डोरमैट बिल्कुल ही बुन के रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको पीछे की साइड दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये पीछे की साइड है, कुछ इस तरह से पीछे की साइड ये दिखाई देगा हमें, और ये हमारी आगे की साइड है।